हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में राजस्थानी दही वाले आलू की रेसिपी शेयर करूंगी, जो छोटे से आलू से बनाई जा सकती है और ये बहुत ही झटपट बन जाती है और रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो उसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, छोटे से आलू है जिसे मैंने बॉयल कर दिया है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, साथ में लिए हैं 3 टमाटर, 2 प्याज और अदरक लहसुन और हरी मिर्च और साथ में धनिया के डंठल और लिया है 1/2 कप जितना दही। उसमें कर देंगे पाउडर मसाले, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और कसूरी मेथी। इन सबको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और दही का मसाला हो गया है तैयार। तो चलिए फटाफट से हम जो हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है, इन सबको प्याज के साथ में अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। और सब्जी बन रही हांडी में, तो हांडी में ले लिया है मैंने सरसों का तेल 3 से 4 बड़े चम्मच और उसमें डाल देंगे 1-1 चम्मच राई और जीरा, अच्छे से स्प्लेटर होने देंगे। साथ में डाल देंगे हमने जो भी खड़े मसाले लिए हैं, उनको 1-1 करके हम सारे डाल देंगे, उसे अच्छे से सौते होने देंगे। फिर डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हींग और हमने जो प्याज का पेस्ट तैयार किया उसे डाल देंगे, अच्छे से सौते हो करेंगे, मिक्स करेंगे, ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद में हम डाल देंगे टमाटर की पेस्ट और डाल देंगे हम नमक और शुगर 1/2 चम्मच, उसे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, और अच्छे से कर देंगे मिक्स, ढक के पकाएंगे ऑयल सेपरेट होने तक। और उसके बाद में हम डाल देंगे दही वाली पेस्ट जो हमने तैयार करके रखी थी, बस उसी को डाल देंगे और उसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। और जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उबाल आते ही हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए और उसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और ढक के पकाएंगे। और आलू जो हमने बॉईल करके लिए, उसे इस तरह से प्रिक करके सारे आलूओं को हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं सब्जी तैयार हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी और 1 चम्मच जितना गरम मसाला और अच्छे से कर देंगे मिक्स, 2 से 3 सेकंड के लिए पका देंगे और रेडी हो गए हैं दही वाले आलू। और इसे आप रोटी पराठे या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।